28 मार्च से शुरू होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक ली तथा नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षा युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी तथा परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन ने बताया कि बागेश्वर जिले में इंटर व हाईस्कूल के 8046 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। बैठक में उपजिलाधिकारी व तहसीलदार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। आपका परीक्षा का सीक्वेंस पता लग गया है, जो संवेदनशील बूथों के बारे में वो भी हमें लिस्ट मिली हुई है। साथ ही साथ जहाँ परीक्षा पत्र वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं वो भी हमें मिला है। उसके लिए हम प्रॉपर गार्ड की व्यवस्था भी कर लेंगे। संवेदनशील जो स्थान है वो चूंकि काफ़ी है, हालांकि हम कोशिश करेंगे सभी जगह कुछ ना कुछ हम सब्स्टिट्यूट कुछ ना कुछ दें। मेरा लेकिन आप लोग से ये कहना इसमें है कि हम मोबाइल हो सकता है टाइप की पार्टीज भी बनाएं कुछ जगह पे, तो हम स्थायी ड्यूटी दे देंगे पर कुछ मोबाइल पार्टीज रखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी ऐसी कोई चीज़ लगती है तो देखिए जो कार्रवाई करनी है वो तो हम लोग को लीगल कार्रवाई करनी ही होती है। अगर कोई ऐसा गलत चीज़ आती है आप लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नंबर जरूर अपने पास रखिएगा। हम लिखित रूप से भी यहाँ पर CEO साहब को कुछ ऑफिसर भेज देंगे, आपको बस उन नंबर्स पे डायल करना है चीजों को कि यहाँ पर हमें जरूरत है इस टाइम पर। बातें बता दी गई होगी, उसमें से जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो जो बोर्ड एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं वो किसी भी प्रकार से लीक नहीं होने चाहिए। तो इसकी सबसे मोस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमें यही रखनी है कि बड़े ही सावधानी पूर्ण तरीके से, वैसे तो वो अभी हमारे यहाँ पे डबल लॉक में रहेंगे, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो जो पेपर है वो कहीं बाहर जाना नहीं चाहिए। वह पुलिस अधीक्षक महोदय को बुलाया गया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में वो अन्य दिशा निर्देश जो भी उनकी ओर से हों उनको जारी किया जा सके। तो केंद्रीय व्यवस्थाओं की मूलतः यह बैठक थी। केंद्र व्यवस्थाओं को हमने बता दिया कि किस प्रकार उन्होंने सुरक्षा के दूसरे प्रश्न पत्रों को द्वितालक में रखना है, तो डबल लॉक सब जगह हैं, डबल अलमीराज भी हैं जिनमें डबल लॉक हैं, तो वहाँ एक एक कस्टोडियन की भी व्यवस्था की गई है। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट केंद्र व्यवस्थापक व कस्टोडियन ही उस डबल लॉक से उसको खोलते हैं, उनकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। बाकी कक्ष निरीक्षक पर्याप्त संख्या में लगा दिए गए हैं और प्रश्न पत्र जो है उनको वितरित कर दिए गए हैं। तो आज मूलतः इसी संबंध था कि यदि उनकी ओर से कोई समस्याएं हो तो वह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या कोई उनके मन में शंका हो तो वह जिलाधिकारी महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रखें। देखिए आज हमारे अभी 28 तारीख से बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो हमारे जितने भी जो व्यवस्थापक हैं आज हमने उनकी ट्रेनिंग के लिए और डायरेक्शंस के लिए देने के लिए आज इनको यहाँ पर हमने बुलाया था और सभी हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो हमारे यहाँ पर की जा चुकी है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 57 सेंटर्स हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बनाए हैं और सभी सेक्टर जो मजिस्ट्रेट्स जो हम तैनात करते हैं उनकी भी तैनाती ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा जो इन्विजिलेटर्स हैं और बाकी सब लोग हैं उनकी भी हम लोग तैनाती कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेनिंग में यही जो विशेष बातें उनको ध्यान में रखनी है उसके बारे में आज यहाँ पे बताया गया है, जिसमें शांतिपूर्ण जो एम्बियंस वहाँ पे रहे उसके लिए क्या क्या उनको बातों का ध्यान रखना है और जिस प्रकार से अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस इन्होंने कंडक्ट करवाए थे फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हमारे जनपद में हुए हैं उसी प्रकार से फ्री एंड फेयर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाएं। न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।